अगर किसी ने खिलवाड़ किया तो याद रखना उसको हम वह सजा देंगे जो नजीर बनेगी देश और दुनिया के लिए। मैं उन सबको चेतावनी देना चाहता हूं कि समय रहते अगले 24 से 72 घंटे में हमारे देश भारत को छोड़ दें। मैं 24 घंटे का अल्टीमेटम नरेंद्र मोदी जी को कह रहा हूं और दे रहा हूं। सीएम योगी ने एक बार नहीं कई बार कहा है कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसा देखने को भी मिला है, लेकिन साथ साथ उन पर ये आरोप भी लगते रहे हैं कि वो हिंदुत्व को सर्वोपरि रखते हैं। लेकिन आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप ये जान जाएंगे कि यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ निष्पक्ष न्याय करते हैं। हिंदुत्व सर्वोपरि है, लेकिन अगर गलत किया है तो सजा मिलेगी, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। अपराधी कोई भी हो, एक्शन जबरदस्त होता है। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें सुन भारत में बैठे हिंदुओं का खून खोल उठा। जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, लेकिन गाजियाबाद में जो हुआ उस पर योगी ने अपनी नजरें टेढ़ी कर ली। वजह क्या थी जरा जान लीजिए। आपको बता दें कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर कतई मना ही नहीं है, लेकिन यही विरोध अगर उग्रता का रूप ले ले तो इलाज तो बनता ही है, और वो भी यूपी में हो तो पक्का इलाज हो गया समझो। अब यूपी में दो शख्स का इलाज हुआ, वो भी गाजियाबाद में ही। दरअसल हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए एक वीडियो बयान जारी किया था। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे इस वीडियो में आरोपी सीधा पीएम मोदी को चेतावनी देते हुए कह रहा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार 24 घंटे के अंदर बंद नहीं हुआ तो वो देश भर में बांग्लादेशियों को छोड़ेगा नहीं। नरेंद्र मोदी जी को भी कह देना चाहता हूँ, या तो 24 घंटे में वहाँ बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर जो अत्याचार हो रहा है वो बंद हो, अन्यथा मुझे सभी जगह की जानकारी है, यहाँ जितने भी बांग्लादेशी यहाँ रह रहे हैं सभी हिंदू रक्षा दल की रडार पर हैं और मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। और इसके बाद 24 घंटा पूरा होते ही इस बदमाश ने अपने साथियों के साथ झुग्गियों में पहुंच गया और वहां रह रहे लोगों पर लाठियां बरसाते हुए तोड़फोड़ कर दी। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जिसने भी मुस्लिम नाम बताया उसके साथ मारपीट की गई। घटना के बाद वहां झुग्गियों में रहने वाले कई लोग अपनी झुग्गियां छोड़कर वहां से चले गए। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि जिन लोगों के साथ मारपीट की गई वो बांग्लादेशी थे ही नहीं। इस घटना का आरोपी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाला था। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ गाजियाबाद पुलिस ने मधुबन बापूधाम थाने में भारतीय न्याय संहिता के तहत बलवा मारपीट धर्म विशेष पर टिप्पणी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की फाइल भी खोल दी है, यानी कि पिंकी चौधरी और पिंकी भैया की हेकड़ी गाजियाबाद पुलिस ने ढीली कर दी है। पहले तो गाजियाबाद पुलिस ने उसे धर दबोचा और जब बावजूद इसके पिंकी चौधरी की अकड़ कम नहीं हुई तो अब गाजियाबाद पुलिस ने उसके खिलाफ NSA लगाने की तैयारी कर ली है, यानी कि पिंकी चौधरी का इलाज योगी ने कर दिया। दूसरे शख्स का नाम है सत्यम पंडित, जो हिंदू वीर सेना के अध्यक्ष हैं। सत्यम पंडित ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर बांग्लादेशियों को पीटने की धमकी दी थी। इस वीडियो में सत्यम पंडित ने बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचारों का हवाला देते हुए कहा था कि अगर इन अत्याचारों को नहीं रोका गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। मैं उन सबको चेतावनी देना चाहता हूं कि समय रहते अगले 24 से 72 घंटे में हमारे देश भारत को छोड़ दें, अन्यथा राष्ट्रीय हिंदू वीर सेना में एक एक कार्यकर्ता अपना लठ हाथ में ले चुका है। मैं अपने भारत के प्रशासन शासन से प्रार्थना करता हूं कि आप इन लोगों से गुजारिश करें, प्रार्थना करें, अगर इन पे कानूनी कार्रवाई करनी पड़े तो कानूनी कार्रवाई करें और हमारे देश से इनको भगाया जाए, अन्यथा राष्ट्रीय हिंदू वीर सेना। वीडियो में दी गई धमकियों ने सोशल मीडिया पर हलचल बढ़ा दी और ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जिस पर पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सत्यम पंडित को शांति भंग की धारा के तहत ACP कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। अब इससे साफ हो गया है कि समाज में शांति भंग करने का काम जो भी करेगा वो यूपी में रगड़ा जाएगा। इसका नजराना हमने आपको इस वीडियो में दिखा दिया, तो आप योगी के इस तगड़े एक्शन पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।